নমস্কার সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, আমরা গতকালই একটা ভিডিও দিয়ে জানিয়েছিলাম যে পিএম কিষাণের এবার যে 18তম কিস্তির টাকা দেবে তার কিন্তু স্টেটাসে আপডেট এসে গেছে, প্রথম ধাপ ওয়েটিং ফর অ্যাপ্রুভেল এসে গেছে, এবার আপনাদেরকে টাকা দেবে, এবং সেখানেও বলেছিলাম যে কবে টাকা দিতে পারে। এবার কিন্তু একদম সরকারিভাবে একটা ঘোষণা হয়েছে টাকা দেওয়ার ব্যাপারে, সেখানে কি বলা হচ্ছে কবে টাকা দিতে পারে সমস্ত কিছু দেখাবো আজকের এই ভিডিওতে। তার আগে ছোট্ট একটি অনুরোধ, চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর বন্ধুদেরকে ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করে তাদেরকেও খবরটি জানতে সাহায্য করবেন। চলুন আজকে আপনাদেরকে বিস্তারিত দেখিয়ে দিই। और सबसे बड़ी हर्ष की बात यह है कि आप सभी जानते हैं कि इसमें हम हर चौथे महीने में एक इंस्टॉलमेंट रिलीज करते हैं और अभी हमारा 17th इंस्टॉलमेंट हमने जून में 2024 में रिलीज किया था वाराणसी से, जिसमें 9.3 करोड़ से ज्यादा जो फार्मर्स थे उनको बेनिफिट गया था। और उसके पहले जो कि सीएससी ने काफी सारे लोगों को रीच आउट किए थे, उनकी ईकेवाईसी मैंडेटरी जो फॉर्मेलिटीज थी उसको कंप्लीट किए थे, और ऐसे लोगों को चूंकि उनको डायरेक्ट जो बेनिफिट मिला था जो किसी उनको ईकेवाईसी होने की वजह से, मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे किसान रहे होंगे जो आपके कंसर्न बीएलई से मिले होंगे और उनको शायद उन्होंने धन्यवाद भी दिया होगा कि उनके कारण ही उनका ये पैसा संभव हो पाया। तो 18th इंस्टॉलमेंट हमारा अगस्त से नवंबर तक के पीरियड के लिए होता है, तो वह अब ड्यू हो गया है और हमने 15 सितंबर तक का ये जो सिचुएशन ड्राइव का जो निर्णय लिया गया है मंत्रालय के द्वारा कि ताकि ये जो सारे फार्मर्स होंगे जिनका भी ईकेवाईसी, क्योंकि अभी जो हमारे पास जो दो कंडीशंस होती है जैसा श्री सार्थक ने बताया, यदि उनका ई केवाईसी लंबित है, पेंडिंग है, या उनका आधार सीडेड बैंक अकाउंट नहीं है, तो हमने जो इस बार जो सोचा है कि इस बार हम जो ऐसे हमारे पास लगभग 50 लाख के फार्मर्स हैं जिनका ई केवाईसी पेंडिंग है, हम उनको कोशिश करेंगे, और यदि ऐसे सारे फार्मर जिनकी ई केवाईसी कंप्लीट होगी उनका जो हमारा 18th इंस्टॉलमेंट का जो बेनिफिट होगा जो कि सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, जब भी जैसा प्रधानमंत्री जी के द्वारा डेट डिसाइड होता है उसमें हम रिलीज करते हैं, तो उसे मुझे लगता है कि डायरेक्ट जो हमारे सीएससी हैं, बीएलईज हैं, अगर वो फील्ड में चल के और काम करके उनको जो अपने जो लेफ्ट आउट फार्मर्स हैं, क्योंकि उनकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी सीएससी के साथ शेयर कर दी गई है, बीएलई 22 भी लिस्ट उनके पास है, तो उनके पास जो भी उनके नंबर होते हैं जो 20, 25, 10 नंबर होते हैं उनको कांटेक्ट करके जो है, और चूंकि इस बार हमने जो नंबर दिया है वो काफी उसमें होमवर्क करके काफी बड़े बड़े नंबर जो है उनको दिए गए हैं ताकि वो टारगेट करके उसमें उनको सीएससी वाले उनका ईकेवाईसी कराएं। तो एखाने देखते पेलेन আমাদের ভারতবর্ষের যে কৃষি দপ্তর, সেই কৃষি উপদেষ্টা মনোজ কুমার গুপ্তা, তিনি কিন্তু জানালেন যে পিএম কিষাণ 18তম কিস্তি, যেটা কিন্তু আগস্ট মাসে দেওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল, অলরেডি সেটা দেরি হয়ে গিয়েছে, তো বলছেন যে এই সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে অথবা অক্টোবরের শুরুর দিকে টাকা কিন্তু ছাড়া হবে 18তম কিস্তি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখনই ডেট দেবেন সেই অনুযায়ী ডেট প্রকাশিত হবে, তো সরকারি ডেট এখনও ঘোষণা হয়নি, তবে কিন্তু একটা উনি মাস বললেন যে এই মাসের শেষের দিকে অথবা সামনের মাসের একদম প্রথমের দিকে কিন্তু টাকা ঢুকে যাবে পিএম কিষাণ 18তম কিস্তি কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। তো পরবর্তী সময়ে যখন অফিসিয়াল ডেট ঘোষণা হবে সেটাও আপনাদেরকে জানিয়ে দেব। তো বর্তমানে এটাই ছিল সরকারি আপডেট, আশা করি আপনারা ভিডিওটা বুঝতে পেরেছেন। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু একটি লাইক করে দিয়ে যাবেন আর বন্ধুদেরকে ভিডিওটা শেয়ার করে তাদেরকেও কিন্তু খবরটি জানতে সাহায্য করবেন।